नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने कल एक सेशन लिया था जिसमें मैंने आपको जमानत जब्त के बारे में बताया था। मैंने कहा था गुजरात हिमाचल में इलेक्शंस हुए हैं तो कुछ और चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे उससे संबंधित। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि ईवीएम की जो वोट्स हैं उनको कैसे काउंट किया जाता है, क्या पूरी प्रक्रिया है और वीवीपैट वेरिफिकेशन क्या होता है, ये डिटेल में समझेंगे। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, प्लीज़ इसको अंत तक देखिएगा। सो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए हैं, ईवीएम की काउंटिंग एक्चुअली होती कैसे है, आइए आज के सेशन के बाद आपको ये डाउट कभी नहीं होगा, ये समझ में आपको आ जाएगा। सो ईवीएम जो है ये फंडामेंटली इन्होंने ऑल्टर कर दिया है पूरा प्रोसेस ऑफ वोट काउंटिंग इन इंडिया, बिल्कुल बदल दिया है। जैसे कि बैलेट पेपर में क्या होता था कि एक असिस्टेंट चाहिए होता था, सुपरवाइजर चाहिए होता था, बैलेट पेपर्स खोल के टैली करते थे बैलेट पेपर्स को, ईवीएम्स में ऐसा किया इस तरह की किसी भी व्यक्ति की सुपरवाइजर की आवश्यकता नहीं होती टू टैली, ठीक है ना। यहाँ पर मशीन खुद से ही प्रोवाइड कर देती है टैली नंबर ऑफ वोट्स लॉज्ड ऑन देम, जितनी नंबर ऑफ वोट्स उसमें गई हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन इस प्रक्रिया तक, मतलब ये रिजल्ट जांचने तक का जो पूरा प्रोसेस है, हाउ ईवीएम्स आर यू नो स्टोर्ड कैरीड और क्या क्या पूरा जो प्रक्रिया है, क्या उसकी सिक्योरिटी है, कौन इंश्योर करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा सेशन को। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लासेज एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLIFE10। यहाँ पर क्लासेस के टाइमिंग्स 11 AM और 5 PM। यहाँ पर ये स्पेशल क्लासेस होती हैं विच आर फ्री क्लासेस फॉर यू ऑल, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 दिसंबर तक का ऑफर है, जहाँ पर अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, दिस इज़ योर टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर फिलहाल अनअकैडमी आपको 16 तारीख तक दे रहा है 40% तक का डिस्काउंट। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLIFE10 तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। गो सेव अप टू 35,000 रुपीज़ ऑन योर सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, यू नो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है आइकॉनी में, इस तरह की सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। CSAT अगर आप टॉप एजुकेटर्स के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, 12 दिसंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं, दिस इज द प्राइस, एनरोल इट नाउ विद माय कोड NDLIFE10 हियर। चलिए, कब से शुरू होती है काउंटिंग और कितना समय लगता है काउंटिंग में ईवीएम्स की, इसके बारे में अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग से प्रोसेस शुरू होता है काउंटिंग का। अब जो काउंटिंग होती है ना, जो वोटिंग होती है एक्चुअली पोस्टल बैलेट्स है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, स्पेशली फॉर दी यू नो आर्मी ऑफिसर्स। ओके, इन दी कमेंट सेक्शन टेल मी कौन कौन एलिजिबल होता है पोस्टल वोट डालने के लिए, अपना पोस्टल बैलेट्स के लिए, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो पोस्टल बैलेट जो होता है, पहले वो उसकी काउंटिंग से शुरुआत होती है पूरे प्रोसेस की काउंटिंग की, ठीक है। ईवीएम्स को लाया जाता है काउंटिंग के लिए मिनिमम आधे घंटे के अंदर, जैसे ही काउंटिंग शुरू हो गई है पोस्टल बैलेट्स की। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई जो वाया पोस्ट आई हैं, उसके आधे घंटे के अंदर ही ईवीएम्स को भी वहाँ लाना होता है, जो भी हॉल है वहाँ पर काउंटिंग के लिए। पोस्टल बैलेट की तरह ईवीएम्स को भी काउंट किया जाता है राउंड्स में, राउंड होते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग, सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग एंड सो फोर्थ, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो होते हैं वो अपडेट करते हैं रिजल्ट को हर राउंड की काउंटिंग के बाद। और जब हम न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं ना, जो ऐप्स पे दिखाते हैं ट्रेंड्स या लीड्स चल रही हैं, वो एक्चुअली हर राउंड की काउंटिंग के बाद जो RO हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो अपडेट करते हैं कि अभी फ़िलहाल ये चल रहा है। आपने देखा भी होगा ना, अभी यहाँ पर एक व्यक्ति की ये लीड कर रहे हैं, है ना, या ट्रेंड ये चल रहा है अकॉर्डिंग टू राउंड्स, आपने न्यूज़ में देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा ये। तो ये यहाँ से आता है, ठीक। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि जो लास्ट पोस्टल बैलेट है उसको काउंट होना ज़रूरी है फाइनल दो राउंड से पहले ईवीएम के, यानी कि जो फाइनल दो राउंड बचे ना, लेट्स से देयर आर 5 राउंड्स, देयर 10 राउंड्स, तो 8वें राउंड तक, लास्ट के दो राउंड ईवीएम के काउंट होने से पहले पोस्टल जो बैलेट्स हैं उनके राउंड्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ईवीएम की काउंटिंग का समय डिपेंडेंट हो गया है पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि दो राउंड्स मिनिमम, फाइनल दो राउंड जो है ईवीएम के, वो तभी काउंट होंगे जब सारे पोस्टल बैलेट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आए हैं वो काउंट हो चुके होंगे। इस तरह से जो टाइम है जो काउंटिंग में लग रहा है ईवीएम की वोट्स के, वो किस पर डिपेंडेंट हो गया कि कितनी तेजी से पोस्टल बैलेट्स को काउंट किया जा रहा है, कितनी स्लोली किया जा रहा है, क्योंकि ये इंडिविजुअली टैली की जाती हैं बाय हैंड, ठीक है, ये मशीन के द्वारा नहीं होती है, ट्रेडिशनल तरीके से होती हैं। नाउ एक बार
जब हमने अपनी वोट डाल दी उसके बाद ईवीएम्स का क्या होता है? तो ये तो काउंटिंग की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो गई, अब हम शुरू करते हैं शुरुआत से। हमने वोट डाली उसके बाद क्या होगा, ईवीएम को कैसे स्टोर किया जाएगा, कहाँ स्टोर किया जाएगा, क्या उसको बोलते हैं, क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, क्योंकि ईवीएम टैम्परिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। चलिए, सो जैसे ही पोलिंग ख़त्म होती है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उस बूथ का, उसको इमिजिएटली मशीन को सील करना होता है, उसको डेजिग्नेटेड स्टोरेज एरिया में ले जाने के लिए, जो भी स्टोरेज एरिया है उसको अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ, यहाँ पर जब वो ले जा रहे होते हैं इस मशीन को, तो कैंडिडेट्स जो होंगे उनके एजेंट्स भी होते हैं सिक्योरिटी मेजर्स के साथ साथ। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग भी वहाँ पे इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उनके एजेंट्स भी होते हैं उस बूथ पर। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है मशीन को सील करेंगे और उस कैंडिडेट के एजेंट के साथ, उन कैंडिडेट के एजेंट्स के साथ प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ उनको स्टोरेज एरिया में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनको स्टोर करना होता है। जनरली जो स्टोरेज एरिया है जिसको स्ट्रॉन्ग रूम भी कहा जाता है, वो सेम होता है जहाँ, वही सेम प्रेमिसेस में होता है, उसी जगह में होता है जहाँ पर काउंटिंग को शुरू किया जाना है, जहाँ पर भी काउंटिंग इज सेट टू बी शेड्यूल्ड आफ्टर ऑल दी फेजेज ऑफ वोटिंग, या जितनी भी राउंड्स ऑफ वोटिंग होनी है। लेट्स से कोई बड़ा स्टेट है तो कई फेज में वोटिंग होती है, कोई छोटा स्टेट है तो एक ही फेज में होती है, लेकिन डेट कुछ दिन बाद की होती है काउंटिंग की, है ना, उसी जगह पर होता है। जो ईवीएम की स्टोरेज है वो बहुत ही मेथडिकल मैनर में की जाती है, ताकि ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके और लोकेट किया जा सके किसी भी मशीन को अगर आवश्यकता पड़े तो, कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी की, कौन से पोलिंग बूथ की मशीन है। मतलब इस तरह से होती है, प्रॉपर सीरियल नंबर्स एंड एवरीथिंग, सीरियल नंबर्स लगे होते हैं, सब कुछ लगा होता है, ताकि आसानी से आइडेंटिफाई करें। उसके बाद जो भी ईवीएम्स हैं जब पोलिंग सेंटर से आ जाती हैं टू द स्ट्रॉन्ग रूम, तो इस रूम को लॉक कर दिया जाता है, उसको हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है। उसके बाद हर स्टेज में इस प्रोसेस के बहुत सारा पेपर वर्क होता है, दिस इज पेपर वर्क, जो कि एक रिकॉर्ड क्रिएट करता है हर एक्शन के ऑफ पोलिंग ऑफिसर, क्या क्या किया गया है, साथ साथ पूरी जो जर्नी है ईवीएम की उसकी, तो मतलब सब कुछ रिकॉर्डेड होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ईवीएम्स का काउंटिंग हॉल्स तक, वो कैसे होता है ना, सिक्योरिटी अगेन इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द स्टोरेज एज वेल एज ऑन द डे ऑफ काउंटिंग। जब उसको स्टोर किया जा रहा है ईवीएम को, तब से लेके काउंटिंग के दिन तक, जब तक वो ईवीएम पहुंचेंगी हॉल तक, काउंटिंग हॉल तक, तब तक की सिक्योरिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर एक स्मूथ फ्लो होना चाहिए ईवीएम्स का बिटवीन द रिस्पेक्टिव स्ट्रॉन्ग रूम्स। लेट्स से देयर इज अ प्रेमिसेस, ये एक प्रेमिसेस है, यहाँ पे वो हॉल है और ये सब स्ट्रॉन्ग रूम बने हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी भी बहुत ही सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी में होती है, ठीक है। सिक्योरिटी फोर्सेज सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है मल्टीपल लेयर्स में, जैसे बैरिकेडिंग्स लगा देती हैं इनर कॉर्डन में, अलॉन्ग द पाथ ऑफ द रूट ईवीएम विल टेक फ्रॉम देयर स्ट्रॉन्ग रूम्स टू द काउंटिंग हॉल। जब वो आएंगे तो यहाँ पे पूरी बैरिकेटिंग होगी, कोई इसकी एंट्री नहीं होगी, बहुत ही हाई टाइट सिक्योरिटी के साथ वो यहाँ पर आते हैं। हर राउंड की काउंटिंग के बाद एक सर्टन नंबर ऑफ ईवीएम्स को लाया जाता है काउंटिंग हॉल में, अगेन एक मेथड के, एक सिस्टम के साथ, जैसे कि उनके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लाया जाता है, बींग फॉलोड टू डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच काउंटिंग इज डन। सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग तरीके से लाया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की इन पोलिंग बूथ से आ रही है, इस तरह से होता है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे पोलिंग बूथ्स हो सकते हैं, तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उनको लाया जाता है हर राउंड के बाद, ठीक है। ये चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन, ये पूरा प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, ये किसी इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल के द्वारा वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाता है। नाउ यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल, बिकॉज उनको ये पूरी की पूरी जर्नी जो ट्रांसपोर्टेशन की है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रूम टू द काउंटिंग हॉल, उसको रिकॉर्ड करना होता है। पेपर वर्क हुआ लाने तक, जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेकर आया है उसको स्ट्रॉन्ग रूम तक, वहाँ तक पेपर वर्क होता है, एक एक चीज़ मॉनिटर की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। अपार्ट फ्रॉम दी इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल, किसी को भी ईवीएम के आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लाने की परमिशन नहीं है। काउंटिंग रूम्स या स्ट्रॉन्ग रूम्स में बार किया जाता है कोई भी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर डिवाइस, ताकि ईवीएम्स को हैक ना किया जा सके, ठीक है। ऐसी लगती है ना कि भाई या उनको हैक करने की कोई सोच रहा है, इसलिए। इसके साथ साथ एक सेपरेट रूम होता है मीडिया के लिए, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल होते हैं अंडर दी आरओ, जो रिटर्निंग ऑफिसर इंचार्ज होंगे उसमें, जो कि लाइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं काउंटिंग सेंटर के उनको बताते रहते हैं। तो हॉल के अंदर देयर इज नो मीडिया पर्सन, दैट वेज एक अलग से रूम बनाया जाता है जहाँ पे एक ऑफिसर इंचार्ज को मीडिया के साथ लाइजनिंग के लिए
बिठाया जाता है और वो बताते हैं क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, एंड अकॉर्डिंगली वी गेट इट ऑन अ टीवीज एंड एप्स. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ईवीएम. नाउ ईवीएम तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है पूरी ईवीएम. एक होती है बैलेटिंग यूनिट, एक होती है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल. समझ लीजिए, दिस इज बैलेट यूनिट, जहां पर वोट डलती हैं. जनरली 16 यहां पर नंबर्स होते हैं इस तरह से. ठीक है, दिस इज बैलेटिंग यूनिट जो हमें दिख रही है. उसके साथ एक होती है कंट्रोल यूनिट, जहां पर सारी वोट्स रिकॉर्ड हो रही हैं, किसको कितनी वोट पड़ी है. दिस इज एक तरह से वेरिफिकेशन की आपकी वोट डल गई है, पेपर ऑडिट ट्रायल है. ठीक है, चलिए समझते हैं इसको भी. सो बीयू क्या है, ये बीयू वो है जहां पर हम एक्चुअली वोट करते हैं, वो जो बटन दबाते हैं ईवीएम का. दे हैव ऑप्शंस अप टू 16 कैंडिडेट्स, 16 कैंडिडेट्स हो सकते हैं. अगर 16 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं किसी जगह पर, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी पोलिंग बूथ में, तो वहां पर बीयूज को लिंक किया जाता है एक सीयू से, एक कंट्रोल यूनिट से. दो बीयूज या उससे ज्यादा बीयूज रखते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, लेकिन कंट्रोल यूनिट एक ही रहेगा उनका, मतलब वोट रिकॉर्ड एक ही जगह पर होंगी सारी. बटन दबाने के लिए नाम अलग अलग हो गए, लेकिन रिकॉर्डिंग एक जगह पर हो रही है सारी वोट्स की. ठीक है, इसके बाद काउंटिंग के लिए सीयू इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर काउंटिंग की हम बात करें तो कंट्रोल यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वो पार्ट है ईवीएम का जहां पर वोट्स एक्चुअली रजिस्टर हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया. एंड इट इज द सीयू व्हिच इज ब्रॉट टू द काउंटिंग हॉल फॉर काउंटिंग, इसको लाया जाता है. जो सीयू थी ना, ये यूनिट जो मैंने आपको दिखाई थी, दिस इज व्हाट इज ब्रॉट टू द काउंटिंग हॉल्स. ठीक है, वीवीपैट की अगर हम बात करें तो ये एक पेपर ट्रेल की तरह क्रिएट करते हैं जब वोट, फॉर एवरी वोट काउंटेड, प्रिंटिंग अ टाइनी स्लिप. जैसे हमने वोट डाली तो एक टाइनी स्लिप निकल कर आ जाती है, तो वहां पे बनता रहता है, वो चलता रहता है साथ में. तो जितनी वोट, जितना बटन प्रेस हुआ, अगर आपकी वोट रजिस्टर हो गई है तो वो वहां पे एक ट्रेल बन जाएगा उसका, कितनी वोट डली है. ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच वोट पोल, वीवीपैट्स आर यूज टू वेरीफाई रिजल्ट्स ऑन द सीन. तो उसमें कितनी वेरिफिकेशन स्लिप्स हैं वो वेरीफाई करती हैं उस रिजल्ट को जो सीयू में आएगा. आगे हम देखेंगे कैसे आता है. ठीक है, काउंटिंग की बात करें ईवीएम्स की, तो सीयू को भी एक मेथोडोलॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग टेबल्स पे इन दी काउंटिंग हॉल्स, और उसके बाद टेकन आउट फ्रॉम द कैरिंग केसेस, मतलब ब्रीफ केस कैरिंग केसेस होते हैं उसमें से निकाल निकाल के टेबल पे लगा दिया. ठीक, उसके बाद उनकी सील चेक की जाती है, मतलब जो कैरिंग केसेस हैं उनकी सील चेक की जाती है कि वो सील्ड हैं कि नहीं, टैम्परिंग को चेक करने के लिए. सील वहीं पे खोली जाती है, उसके बाद उनको निकाल के रखा जाता है. यहाँ मैं आपको बता दूँ सीयू इसके बाद भी बहुत सारे राउंड्स इसमें चेकिंग के होते हैं, मतलब बहुत सारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है. टैम्परिंग को चेक किया जाता है कि कुछ भी गड़बड़ तो नहीं हुई है, या फिर जो सीयू रखी गई है वो सही पोलिंग स्टेशन की है कि नहीं, कोई टैम्परिंग तो इसमें नहीं हुई है एक्सेट्रा, यहाँ पर देखा जाता है. ऑल राइट, जस्ट गिव मी वन मिनट गाइस, एक मिनट का समय दीजिएगा आप मुझे. हाँ जी, चलिए ठीक है, ये चेक किया जाएगा. उसके बाद अगर कोई भी सस्पिशन दिखता है, अगर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हुई है, टैम्परिंग हुई है उसके साथ, छेड़खानी हुई है, या फिर कोई रॉन्ग सीरियल नंबर दिखता है, तो सीयू उसको अलग रख दिया जाता है, मतलब फिर उसकी काउंटिंग नहीं होती, उसको अलग कर दिया जाता है. एक बार जब ऑफिशियल सैटिस्फाई हैं विद द स्टेटस ऑफ सीयू, तब वो वोट्स को काउंट करते हैं. ठीक है, नाउ ये जो काउंटिंग प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है. ये जो पूरी प्रक्रिया आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, हर स्टेप पे चेकिंग हो रही है, लेकिन जो पूरी मतलब काउंटिंग की जो प्रक्रिया बहुत सिंपल है. एक बटन प्रेस किया जाता है, सारी टैलीड वोट्स आ जाते हैं, कितनी वोट्स यहाँ पर पड़ी है. रिजल्ट, द सीयू हैज अ रिजल्ट बटन विच नीड्स टू बी प्रेस्ड. आफ्टर ऑन प्रेसिंग इट डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑन द डिस्प्ले पैनल. डिस्प्ले पैनल पर रिजल्ट आ जाता है किस कैंडिडेट को कितनी वोट पड़ी है यहाँ पर. जब ये काउंटिंग हो जाती है तो ईवीएम्स को वापस स्टोरेज में भेज दिया जाता है और उनको रख दिया जाता है कि अगर इनको दोबारा से एक्सेस करना है तो किया जा सके, अगर दोबारा से रिकाउंटिंग करने की बात आ रही है तो. ठीक है, नाउ वीवीपैट वेरिफिकेशन क्या हुआ. अगर कोई कैंडिडेट को या उनके इलेक्शन एजेंट को या फिर काउंटिंग एजेंट को अप्लाई करना है इसके लिए, अगर वीवीपैट वेरिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए अप्लाई करना होगा रिटर्निंग ऑफिसर को टू काउंट द प्रिंटेड वीवीपैट पेपर स्लिप्स, जस्ट टू चेक कि जो सीयू में जो रिजल्ट आया है किसी कैंडिडेट के साथ वो एग्जैक्टली सेम है. तो उसको वेरीफाई, डबल चेक कह सकते हैं, डबल चेक करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसके लिए कैंडिडेट इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट को राइटिंग इन रिटन अप्लाई करना होता है आरओ को कि ऐसा कीजिए. ठीक है, इन एनी और ऑल पोलिंग स्टेशंस,
किसी एक पर्टिकुलर के लिए अगर डाउट हो रहा है उनको, या फिर सभी के लिए करना है, डिपेंड करता है। इस तरह की एप्लीकेशन जब भेजी जाती है तो आर ओ इसको भेजते हैं स्पीकिंग ऑर्डर ऑन वेदर द वी वी पैट पेपर स्लिप शुड बी काउंटेड और नॉट। उसके बाद वो ओरली ऑर्डर करते हैं कि इसको चेक करना है कि नहीं करना है देखने के लिए। अगर आर ओ डिसाइड करते हैं टू अलाउ द काउंटिंग ऑफ वी वी पैट पेपर स्लिप्स किसी एक या सभी पोलिंग स्टेशन की, तो ऐसा डिसीजन ऑफ आर ओ मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अलॉन्ग विद द रीजंस देयर ऑफ। तो पहले वो स्पीकन मतलब स्पोकन ऑर्डर करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि ये इनको काउंट होना चाहिए कि नहीं, और अगर ये कहते हैं, अगर ये कहते हैं कि हाँ होना चाहिए वी वी पैट या ये वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो ऐसे में नाउ ही हैज़ टू गिव अ रिटन ऑर्डर। तो उनको लिखित ऑर्डर देना होगा इसके लिए, और रीज़न बताने होंगे कि किन कारणों से वी वी पैट मतलब वेरिफिकेशन के लिए जाया जा रहा है, डबल चेक क्यों किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही हैज़ टू टेल वेदर ही वॉन्ट्स इट और नॉट, ही इज़ अलाउंग इट और नॉट। इट कैन बी ओरल, इफ ही इज अलाउइंग देन इट हैज़ टू बी रिटन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ कंप्लीशन ऑफ वोटिंग एंड रजिस्टरिंग द रिजल्ट। कंप्लीशन कब होगा? जो वोट सिक्योर की गई है हर कैंडिडेट के द्वारा, और साथ में नोटा जो डिस्प्ले हुआ है डिस्प्ले पैनल्स पर कंट्रोल यूनिट के, जो काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे द नंबर ऑफ सच वोट्स सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कैंडिडेट, ए बी सी डी सबके नाम के आगे लगा देंगे, लिखते रहेंगे, उसको भी टैली किया जाएगा। He should also note down whether the total number of votes counted tallies with the total number of votes lodged. उसके बाद उनको टैली भी किया जाएगा जो previously रिकॉर्ड की गई थी votes lodged, और जो अब नंबर आया है वो सेम है कि नहीं, ठीक है। After ensuring कोई discrepancy नहीं है, counting agent satisfied हैं, एक particular form होता है उसको sign किया जाता है सभी parties के द्वारा कि भाई सब ठीक है, सब okay हैं, क्योंकि agents are also there. एंड द रिजल्ट आर सेंड फॉरवर्ड टू द आर। उसके बाद रिजल्ट आर ओ को भेजे जाते हैं। विद द आर ओ एक ऑफिसर होता है इंचार्ज जो कि टैबुलेट करता है सभी रिजल्ट को और डिस्प्ले करता है क्यूमुलेटिव टैली वोट्स, ठीक है, जो टोटल्स आ रहे हैं इन फ्रंट ऑफ ऑल दी टेबल्स। वहीं पर एक टेबल बनाया होता है, खैर इतना डिटेल में जाने की हमारे लिए इतना जरूरत नहीं है, बट हमको ओवरऑल पता होना चाहिए। नाउ एक ऑब्जर्वर भी होता है, उसका रोल क्या है? नाउ जहाँ एक तरफ पार्टीजन काउंटिंग एजेंट्स हैं, सभी ऑब्जर्वर्स भी एक क्लोज चेक रखते हैं इन द प्रोसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट्स, कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स, कैसे कंपाइल हो रहा है रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे बता दूं कि जब से काउंटिंग शुरू होती है जब तक काउंटिंग खत्म होती है, ना तो ऑब्जर्वर, ना ही एआरओ आरओ और ना ही कोई और इलेक्शन ऑफिशियल काउंटिंग हॉल को नहीं छोड़ सकता है जब तक पूरी काउंटिंग कंप्लीट होकर उसका रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। दे cannot लीव द प्लेस। यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है काउंटिंग premises में, और जो prompt action ली, अगर कुछ भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसमें immediate action लिया जाता है। यहाँ पर आपको बता दूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वर जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वो काउंटिंग को स्टॉप कर दे। द ऑब्जर्वर हैज द अथॉरिटी टू स्टॉप द काउंटिंग अगर उसको लगता है कि कुछ भी नेग्लिजेंस हो रही है या कुछ मिसकंडक्ट हो रहा है ऑन पार्ट ऑफ द काउंटिंग ऑफिशियल्स विद रिगार्ड टू फॉलोइंग द इलेक्शन कमीशन रूल्स एंड गाइडलाइंस। जो इलेक्शन कमीशन रूल्स गाइडलाइंस है, अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ नेग्लिजेंट हो रहा है उसको लेके, नेग्लेक्ट कर रहा है या कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर काउंटिंग को स्टॉप भी कर सकता है, ही हैज दैट अथॉरिटी। दे कैन ऑल्सो स्टॉप काउंटिंग अगर उनको लगता है कि पोलिंग प्रोसेस पूरा का पूरा वो कॉम्प्रोमाइज था, तो भी वो काउंटिंग को यहाँ पर रोक सकते हैं। दिस इज हाउ इट इज डन। ये पूरा प्रोसेस हुआ, इसके बाद फाइनली जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो रिटर्निंग ऑफिसर प्रोसीड करते हैं टू मेक द फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, और इस तरह से रिजल्ट हमारे सामने घोषित कर दिया जाता है। पहले लीड्स और ट्रेंड्स में आता है, फिर फाइनली रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस इज डन, दिस इज हाउ द ईवीएम्स आर काउंटिंग काउंटेड। आई होप आपको ये समझ में आया हो, आपको अच्छा भी लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। ऑल्सो अन अकेडमी से जुड़ने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं DLIFE10 फॉर ऑल योर सब्सक्रिप्शंस। 10% का डिस्काउंट तो मिलता है, साथ में मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। लक्ष्य बैचेस 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। हिंदी मीडियम बैचेस हैं ये, प्राइस ड्रॉप भी मिल रहा है, साथ में प्रिलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं। इसी तरह से आरंभ बैच है जो कि बायलिंगुअल बैच होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है। EMI का ऑप्शन अवेलेबल है आपके लिए। सॉरी दिस इज नॉट देयर नाउ। ये टेस्ट प्रिपरेशन के लिए अगर आप अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको 55 से ज़्यादा टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें 45 GSK और 10 CSAT के टेस्ट हैं। गो एनरोल नाउ विद माय कोड। अल्ट्रा कॉम्बैट में भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं मेरे कोड के साथ। मेंस का रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए विद फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम।
एंड इलाइटन इज द कोड दैट यू हैव टू यूज. आई होप यू लाइक द सेशन. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑल्सो इट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपडेट्स. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस.